देखिए, इसको बोलते हैं स्किन डेप्थ, और इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ये दो टॉपिक, ये दो मतलब दो टॉपिक क्या, ये दो नाम है, एक ही चीज है। तो समझ लीजिए पहले स्किन डेप्थ है क्या। स्किन डेप्थ हर मटेरियल की अपनी अलग अलग होती है। तो किसी मटेरियल में, अगर सिंपल समझिए फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। अगर कोई मटेरियल है और आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोज कराते हैं, समझ रहे हैं, एक्सपोज मतलब उस पर रेडिएशन जो है डालते हैं, तो कितनी डेप्थ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहुंचता है, दिस इज नोन एज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो बेसिकली द इलेक्ट्रो, आप इसको अगर डिफाइन करें तो ये डिफाइन ऐसे होगी कि इट इज अ मेजर हाउ डीप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पेनिट्रेट इन अ मटेरियल विच इज एक्सपोज्ड बाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, पेनेट्रेट का मतलब क्या हुआ? मतलब उसमें अंदर जाता है। पेनेट्रेट का मतलब ये हो गया कि कितना अंदर उसमें मटेरियल, वो डेप्थ। अगर मटेरियल ये है, सपोज करो ये कोई ब्लॉक है मटेरियल, अब इसको आपने ईएम रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोज कराया, तो कितनी डेप्थ तक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाता है, वो डेप्थ क्या कहलाती है आपकी, वो डेप्थ कहलाती है आपकी डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन या स्किन डेप्थ। ईच मटेरियल हैविंग द डिफरेंट स्किन डेप्थ और आपका डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन, इट इज डिनोटेड बाय इस डेल्टा सिंबल से डिनोट होती है, इससे ये डिनोट होती है। तो इट इज अ मेजर हाउ डीप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पेनेट्रेट इन साइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर कितना पेनेट्रेट होता है। और इसकी एक मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि इट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वन अपॉन ई टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू या ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब उसकी वैल्यू वन अपॉन ई, ई की वैल्यू या 0.368 निकलती है, इतनी रह जाती है, मतलब पहले ई थी उसके बाद हो गई इतनी। तो जिस डेप्थ पे इतनी वैल्यू हो जाती है वो डेप्थ कहलाती है डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन। तो अगर हम ग्राफ बना के इसको देखें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इधर डेप्थ देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, इस तरीके से, फिर ये जीरो होती चली जाती है। तो जहां ये वैल्यू हो जाती है, तो इस एक्सिस पे डिस्टेंस है, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी वैल्यू यहां 0.368, इस पर जाके ये वैल्यू क्या है आपकी, डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन मिल जाती है। तो यहां ये आपको डेल्टा जो है मिल जाता है जब वैल्यू आपकी ई से 0.36 ई रह गई, एक है तो 0.368 रह जाए, किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल, वो सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, कितनी रह जाए, वन अपॉन ई, यानी 0.368 रह जाए। और इट इज अ मेजर ऑफ द हाउ डीप द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पेनेट्रेट इन अ मटेरियल। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला देख लो, डेल्टा इज इक्वल्स टू, आपके में डेरिवेशन नहीं है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, वन अपॉन, इसको याद रखना है जब ये लिखा जाएगा, तो वन अपॉन ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है, उसके बाद वन प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट हो गया आपका, ये एक टर्म है, और इसकी पावर कितनी है, हाफ माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पावर भी कितनी है, हाफ। ये इसका एक
एक्सप्रेशन आता है, बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है जो आपको जनरली बुकों में नहीं लिखा गया है। अब फॉर द कंडक्टर अगर हम बात करें तो कंडक्टर के लिए आपका सिंपल फॉर्मूला ये रिड्यूस होके हो जाता है अंडर रूट 2 अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन सिग्मा, ये कंडक्टर के लिए आ जाता है निकल के, जो आपके न्यूमेरिकल्स में मोस्टली यूज होगा फॉर न्यूमेरिकल, ये कंडक्टर के लिए आ गया। और एक और कंडीशन होती है सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन, यानी ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू क्या है जानते हैं आप, 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसकी वैल्यू क्या है लेस देन 1 होती है किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1, और सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन इज मच मच ग्रेटर देन फॉर कंडक्टर, कंडक्टर के लिए ये सबसे ज्यादा होती है। तो ये फॉर्मूला आपको जब आप डेफिनेशन लिखेंगे करेंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अंडर कंडक्टर के केस में 2 अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन सिग्मा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और बता दूं कि जो एक आपने वर्ड सुना हुआ अटेन्युएशन, अटेन्युएशन इज बेसिकली जब कोई वेव प्रोपोगेट करती है तो उसकी पावर में लॉस होता है, तो जो एक रिलेशन होता है अटेन्युएशन को जनरली बीटा से दिखाते हैं, अटेन्युएशन इज डिनोटेड बाय बीटा अटेन्युएशन। तो जो ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होती है ये रेसिप्रोकल होती है 1 अपॉन बीटा के, या आप उल्टा कह सकते हैं बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे का उल्टा ये होते हैं, यानी अटेन्युएशन जितना कम होगा उतनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या है ज्यादा होगी, एक दूसरे के इनवर्स, क्योंकि पावर उतनी ज्यादा मिलेगी तो ज्यादा डेप्थ तक वो पेनिट्रेट करेगा। तो ये दिस इज होल अबाउट